नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा और अब हम बात करते हैं जिला बिजनौर के धामपुर की, जहां पूर्व सैनिकों, जेसीओ और जवानों ने मिलकर अपनी पेंशन की विसंगतियों को लेकर एक विशाल रैली निकाली। रैली महाराणा प्रताप चौक से नगीना चौक होते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंची, जहां एसडीएम मनोज कुमार को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें कि ज्ञापन में अधिकारी वर्ग व जेसीओ जवानों के बीच ओआरओपी में जो भेदभाव किया गया है उसे ठीक करने की मांग केंद्र सरकार से की गई है। जेसीओ जवानों ने अपने पूर्व सैन्य अधिकारियों पर ओआरओपी विसंगतियों में भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए हैं। जिलाधिकारी महोदय को अपने पूर्व सैनिकों की ओआरओपी में जो विसंगति हुई है उनके निमित्त आज हम माननीय राष्ट्रपति महोदय को, माननीय प्रधानमंत्री महोदय को, माननीय रक्षा मंत्री महोदय को ये ज्ञापन दे रहे हैं और हम केंद्र सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारी ओआरओपी जो अफसरों में और हम में मतभेद है उसे पूरा किया जाए, हमारी ओआरओपी सही ढंग से लागू की जाए, ये हमारी जो है केंद्र सरकार से डिमांड है। और श्रीमान जी से निवेदन है कि हमारे ये ज्ञापन स्वतः जो है बहुत ही सही तरीके से उन सभी के पास पहुंच जाने चाहिए। पूर्व सैनिकों की तरफ से माननीय एसडीएम महोदय का बहुत बहुत आभार कि वह आज हमारा ज्ञापन स्वीकार कर। रैली में पूर्व सैनिकों के 3 संगठन शामिल रहे, सभी ने मिलकर फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन के बैनर तले ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पूर्व सैनिकों के तीनों अध्यक्ष तीकम सिंह फौजी, रघुवीर सिंह बिष्ट, कल्याण सिंह रहे। साथ ही संचालन कैप्टन पूरन सिंह असवाल ने किया। इस दौरान कैप्टन विशंबर सिंह, कैप्टन एनएस चौहान, दयानंद फौजी, जगमोहन सिंह, अनिल फौजी, मुकेश फौजी, शिवदत्त फौजी, महिपाल फौजी, कैलाश सिंह, अमित फौजी, रामकिशन फौजी, सुभाष फौजी, जसवीर फौजी, निर्मल फौजी आदि शामिल रहे। और इसी के साथ जुड़े हैं बंधन समाचार के साथ।